तो ये वीडियो और चैप्टर शुरू होने से पहले हम इसका बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं जो कि कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है. कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप कभी उन साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो एक ज़माने में पहले कभी आम नागरिक हुआ करते थे? APJ अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इन टू 21st सेंचुरी, बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002. तो APJ अब्दुल कलाम, जिसके स्पेस प्रोजेक्ट, डिफेंस प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने 21st सेंचुरी के लोगों को हिला के रख दिया, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, 11वें प्रेसिडेंट बने सन 2002 में. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो अपने ऑटोबायोग्राफी में, जो कि विंग्स ऑफ फायर नाम का एक ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखा है, उसने अपने एक चाइल्डहुड के बारे में ही बात किया है उन्होंने. आइए देखते हैं. Hey guys, welcome back to yet another video. So today we're gonna talk about my childhood, जो कि APJ अब्दुल कलाम जी का लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, उसके बचपन का. आइए देखते हैं. I was born into a middle class family in the island town of Rameswaram in the East Weld Madras state. तो मेरा जन्म एक middle class Tamil family में हुआ, रामेश्वरम town में, जो कि एक आइलैंड में था, इन द एस्टवेल्ड मद्रास स्टेट. मद्रास स्टेट के आइलैंड में, रामेश्वरम शहर में हुआ था. माय फादर जैन उलाबद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉट मच वेल्थ. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही प्रोफिट ग्रेट इनेट एंड विजडम एंड टू जेनरसली ऑफ स्प्रिट. यानी मेरे पिता जैन उलाबद्दीन, जिसके पास उतनी अच्छी शिक्षा और ना इतना धन था, लेकिन फिर भी इस ना खामियाजों के बाद भी उन्होंने, उनका एक अपना एक अच्छा व्यवहार था, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में बहुत फेमस थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियामा. तो वो मेरी माँ आशियामा के बहुत अच्छे मददगार थे, हर काम में उनकी मदद करते थे. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो मुझे ठीक से तो याद नहीं है कि वो हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी मेरी माँ, लेकिन फिर भी जितने आउटसाइडर, जितने बाहर से लोग आते थे, उन सबको वो इतने ज़्यादा थे, जो कि हमारे पूरे परिवार, पूरे खानदान में नहीं थे, उससे भी ज़्यादा बाहर के लोग आते थे खाना खाने. I was one of many children, a short boy with rather undigested looks, born to tall and handsome parents. तो मैं उन्हीं में से कई बच्चों में था, एक नाटा लड़का जिसका undistinguished look था, यानी उसका उतना कुछ खास अच्छा look नहीं था. Born to a tall handsome parents, जो कि लंबे और handsome parents का बेटा था. We lived in our ancestral house. हम हमारे पूर्वजों के घर में रहते थे, यानी वो घर पुश्तैनी घर में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडिल में, यानी 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में बना हुआ था. इट वॉज फेयरली ए पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक. वो पूरी तरह से पक्का हाउस था, जो कि लाइम स्टोन और ईटे से बना हुआ था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि मॉस्क्यू स्ट्रीट, जहाँ पे, यानी जिस स्ट्रीट, जिस गली में, जिस मोहल्ले में मॉस्क्यू था, उसी स्ट्रीट में उनका घर था. माई ऑस्टेर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज. तो मेरे स्ट्रिक्ट और सिंपल पापा हमेशा कम्फर्टेबल लाइफ से या कम्फर्ट से हमेशा दूर ही रहते थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स. फिर भी उन्होंने हमारे लिए सारे सुख सुविधाओं का व्यवस्था किया हुआ था,
मामला खाना का हो, फूड का हो, दवाइयों का हो या कपड़ों का हो, उन्होंने सभी सुख सुविधा हमें दी हुई थी। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो सीधी सी बात में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सिक्योर बच्चा था, चाहे आप बाहर से देखा जाए अंदर इमोशनली देखा जाए, तो मैं बहुत सिक्योर था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 के ईयर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, जब मैं 8 साल का हुआ तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ, तभी तो 8 साल जोड़ने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टर्मेरिक सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो मैं ये बिल्कुल समझ ही ना सका कि टर्मेरिक सीड्स यानी टर्मेरिक का जो बीज होता है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा अचानक से कैसे बढ़ गई है मार्केट में। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो मैं अक्सर उन सीड्स को कलेक्ट करता था और उन्हें प्रोविजन यानी जो शॉप सीड्स को प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोविजन शॉप कहते हैं, तो वहाँ पे बेच दिया करता था ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। उसी स्ट्रीट में अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना। तो एक दिन में मेरा बहुत अच्छा कमाई हो जाता था, जेनरस अमाउंट हो जाता था और कुल मिला के एक आना दाम मिल जाता था। तो यहाँ पे बताया गया कि एक आना का मतलब होता है 6 पैसे, उस टाइम में एक आना चलता था, पैसा नहीं। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दीना मनी। तो मेरे बहनोई जो है यानी मेरी बहन के हस्बैंड जलालुद्दीन मुझे कहानियाँ बताते थे वर्ल्ड वार के, जो कि बाद में मैं दीना मनी नाम के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में छापने वाला था। आवर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर। तो हमारा एरिया आइसोलेटेड हो चुका था यानी सब घरों पे बंद हो चुके थे, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर, और हमारे एरिया को वॉर से कोई हानि नहीं पहुँचा, कोई भी क्षति नहीं पहुँचा, वो अनअफेक्टेड ही था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। पर बाद में इंडिया को फोर्स किया गया ब्रिटिश, उस टाइम तो कॉलोनियल रूल चलता था, तो एलाइड फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंडिया को फोर्स किया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि बहुत ज़्यादा लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, यानी कि एक इमरजेंसी का सिचुएशन है ये बात डिक्लेयर किया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंसेस ऑफ द ट्रेन हेल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। तो इसका पहला प्रभाव रामेश्वरम स्टेशन का पहला आने वाला ट्रेन पे पड़ा। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी। तो इस इमरजेंसी वाले न्यूज़ के बारे में न्यूज़पेपर फेंके गए, बंडल न्यूज़पेपर के बंडल फेंके गए और रामेश्वरम स्टेशन के ट्रेन पहले ट्रेन से जो कि रामेश्वरम और धानुषकोडी में गए, रामेश्वरम से लेकर धानुषकोडी तक गए। दैट फोर्स्ड माय कज़न सामुजद्दीन हु डिस्टर्ब न्यूज़पेपर्स इन ही डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। और इसके कारण मजबूरन में ही मेरे कज़न सामसुद्दीन को न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा पूरे रामेश्वरम में टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। तो इस बंडल्स को लेने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने भी अपने कज़न की मदद की। समसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो समसुद्दीन ने भी मेरी हेल्प की मेरा पहला डेली वेजेस को पाने के लिए। वेजेस मतलब होता है कि जो आप हर रोज़ काम करके हर रोज़ आपको तनख्वाह मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं। तो पहला वेजेस कमाने के लिए समझदीदी ने मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर
I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो उस दिन मैंने पहली बार पैसा कमाया था और इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहा है. मतलब पहली बार पैसा कमाने का खुशी ही कुछ और होता है और वो खुशी पूरे सेंचुरी मतलब पूरे आधा सेंचुरी तक चलता रहा. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन टू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. तो हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खास तरह की विशेषताएँ होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है और उन्हें एक पार्टिकुलर वे में ट्रेन किया जाता है, एक अलग तरह से ट्रेन किया जाता है अपने ज़िंदगी के लिए और उनके पास एक ख़ास तरह की बिहेवियर होती है. तो उसी तरह आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर. फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माय थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर. तो हर बच्चा तो हर किसी से सीखता है, तो मैंने क्या सीखा, तो मैंने ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिताजी से सीखा और गुडनेस यानी अच्छाई और डीप काइंडनेस दयालुतापन अपनी माँ से सीखा और उसी तरह से मेरे तीन भाई और एक बहन भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आया उनमें भी. आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड. मेरे तीन करीबी दोस्त थे मेरे बचपन में, रामधन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ऑल दिस बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैसिलिटीज ब्राह्मण फैमिलीज. लेकिन ये सारे कट्टर ब्राह्मण फैमिली से थे, तब भी इन चारों में एक गहरी दोस्ती थी. एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. बच्चे होने के नाते हम लोगों में कभी भी अंतर नहीं मालूम हुआ, कभी भी हमने एक दूसरे में कभी भी अंतर नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों को इतना कुछ पता नहीं था कि धर्म क्या होता है, इतना भेदभाव क्यों होता है, तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे. इन फैक्ट रामधन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. तो रामधन शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन था, जो द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर में एक उच्च दर्जे का एक पुजारी था. लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. तो बाद में उसने अपना पुजारी होने का कर्तव्य निभाया उसके पिताजी के बाद. रामधन वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज. तो अरविंदन बड़े होकर उन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाला बाहर से आए हुए विजिटिंग पिलग्रिम्स श्रद्धालु भक्त के लिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाला और वहीं उसका तीसरा दोस्त शिव प्रकाशन बड़े होकर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी जो खाना खिलाने वाले लोग होते हैं उसको कैटरिंग बोलते हैं. तो खाना पीने का प्रबंध करने वाले वाला एक कॉन्ट्रैक्टर बना साउदर्न रेलवेज में. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फॉर्म ऑफ द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल रामथिरा विच वॉज नियर आवर हाउस. तो एनुअल श्री सीता राम कल्याण सेरेमनी के दौरान हमारे फैमिली को बोट्स की अरेंजमेंट करनी पड़ी, बोट की व्यवस्था करनी पड़ी और कैरिंग आइडल्स यानी कुछ खास चीज़ रखने के लिए प्लेटफॉर्म सजाना पड़ा ऑफ द लॉर्ड फॉर्म यानी मूर्ति वगैरह के लिए एक खास प्लेटफॉर्म बनाया गया बोट्स के लिए टू द मैरिज साइट विवाह महल तक के लिए जो कि कहाँ सिचुएटेड था, मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल रामथिराहा यानी रामथिरा नाम के पॉन्ड के बीच में वो सिचुएटेड था विच वॉज नियर आवर हाउस जो कि हमारे घर के बगल में ही था. इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम आवर लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली.
रामायण की गाथा और हमारे फैमिली के किस्से और भविष्यवाणियों के बारे में हमारी माता और ग्रैंड माता, हमारी दादी माँ बताया करती थी हमारे परिवार के बच्चों को। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी, आई नो मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी ख़राब और स्लो है कि वीडियो लंबी बन जाती है। खैर, आप दूसरे यूट्यूब चैनल में भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगी हो। थैंक यू ये वीडियो इतना देखने के लिए, मैं इसका सेकेंड पार्ट जल्दी लाऊँगा। बाय।